इस कृष्णा के साथ तुमने मिलकर ये सारा तमाशा रचा और फिर तुम तीनों ने मिलकर कटोरी को यहाँ रखा ताकि तुम घर वालों के खिलाफ शक पैदा कर सको। तुम हमारी आंखों में ना धूल नहीं झोंक सकती यशोदा। नहीं बड़ी माँ की, मैडम जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम जब आपको बुलाने आए थे तब तक उस कटोरी में तेल लगा हुआ था, लेकिन अब पता नहीं कैसे गायब हो गया है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा है किस घर में कोई है जिसने बड़ी बेबी को गिराया है। आज भले ही वो सबके सामने ना आया हो, लेकिन एक ना एक दिन तो उसका सच सामने आएगा ही। तो चुप कर। तूने क्या अपनी तरह हम सबको सड़क छाप चोर चक्का समझ रखा है? अब घर वाले ही घर में साजिश करने लगे। अब अगर आप हर जगह मेरी पैदाइश मेरा घर परिवार लेकर आ जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो जाएंगी। भले मैं जहाँ से भी आया हूँ जैसे भी आया हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं सिखाया गया है कि जिससे प्यार करो उसे ही चोट पहुँचा। यहाँ तो ये है कि सब बड़ी बेबी को प्यार करने की बातें करते और उन्हें चोट भी पहुँचाते। कृष्णा, बाबू जी के साथ जुबान मत लड़ाओ। मैडम जी अब हर बार कुछ नहीं बोलती है, और हर बार अगर आप मुझे ऐसे ही चुप कराते रहेंगी तो इन्हें सही जवाब कौन देगा? तो यशोदा के बदले तू जवाब देगा हमें? बदतमीजी करेगा हमारे साथ? मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ और ना ही कभी करूंगा। आप मेरे दादा की दादा मत बोल हमें। पता नहीं किसके पाप का फल है तू। जिसने ये पाप किया उसी से पूछना पड़ेगा ना। ये कृष्णा अपनी मैडम जी को और नुपुर अपनी मम्मी को रोते हुए नहीं देख सकते। हाँ मम्मी, अगर इस घर पर मेरा थोड़ा सा भी हक होता तो मैं खुद कॉल करता, लेकिन आप नहीं है इसलिए आप ही को कॉल करना पड़ेगा। हाँ मम्मी, आप कृष्णा भैया की बात मान लीजिए ना, आप फूफा जी को कॉल कर लीजिए। अगर किसी की जिंदगी में फूल नहीं बिछा सकते तो कांटे क्यों बिछाना? जीजी मेरे साथ जो कुछ भी करती है उनकी नियत है, लेकिन अगर मैं जीजाजी को कॉल करूंगी, उन्हें ये सब बताऊंगी, तो जीजी और जीजाजी में बहस हो जाएगी, मनमुटाव आएगा, और इस सब का कारण मैं क्यों बनूं? क्यों तुम दोनों को बनने दूं? तुम दोनों बहुत छोटे हो अभी, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, किसी के दुख का कारण मत बनना। मुझे दादी के कमरे में लेके चली, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना। तुम्हें कैसे समझाओ कि कृष्णा अशोक जी का क्या लगता है, तुम्हारा क्या लगता है? सही मायनों में तो मुझे वो पहला शख्स होना चाहिए जो उसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दे। पर क्या तुम्हें अपनी माँ से ऐसी उम्मीद होगी कि वो एक मासूम के साथ ऐसा करे जिसका खुद का कोई कसूर नहीं?
हमने कभी कुछ नहीं कहा, कभी झूठा कि नहीं किया, लेकिन आज हमसे बोले कि जाओ जाके मायके से कुछ पैसे लेकर के आओ। हमने कहा हमारे घर में एकदम गाज गिरी पड़ी है, इतना ही दुख है, इतना तकलीफ है, सब इतनी समस्या में तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अम्मा इतना कहा और हमारा गला पकड़ लिया, हमको बहुत मारा अम्मा, बहुत मारा। और सुनो, तुम कहाँ चले गए? नानी के घर सबको बुला के ले आए, परेशान कर दिया। इससे अच्छा होता तुम्हारा बाप ना हमको मार डालता, उसके कलेजे में शांति पड़ जाती। हमारे कारण ये सब लोग हमेशा इतनी तकलीफ में रहते हैं, ये भी शांत हो जाते हैं। अम्मा मर जाए, इससे अच्छा आप कुछ नहीं बचाए अम्मा। जी जी बस कीजिए, ये क्या मरने मारने की बातें कर रही है आप? और ऐसे भाग जाएंगे जीजा जी आपको मार के। अरविंद भैया फोन लगाइए जीजा जी को। लगा फोन। सोनू मत रो, चुप हो जा। हाँ बोलो अरविंद। जीजा जी क्या हो गया है अचानक से आपको? अचानक से नहीं, ये काम तो हमको बहुत पहले कर देना चाहिए था, जिसको करने में हमने देरी कर दी। बना लिया हमको बेवकूफ और हम बन लिए। ये तो शुक्र मनाओ कि तुम लोग आ गए और हमने इसको जिंदा छोड़ दिया। लेकिन एक बात तुम लोग कान खोल के सुन लो, हम जिस दिन भी वापस लौट के आएंगे ना, उस दिन हम इसकी जान ले लेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इसने हमारी जिंदगी नरक की है ना, हम इसकी जिंदगी नरक करेंगे। ए बंसल, अपने हाथ में रहना, अब लगा के दिखा हाथ हमारी बेटी को, उसका बाप अभी जिंदा है, समझा? अरे ससुर जी ऊंची आवाज में बात मत करिए, कलेजा बाहर आ जाएगा आपका। अपनी आवाज बचा के रखिए, अदालत में गवाही देने के काम आएगी। दामाद जी, हमने हमेशा आपको अपने बड़े बेटे की तरह माना, मान सम्मान दिया, अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर दीजिए, इतना ही सब। बस बस बस, आपने बहुत मान सम्मान हमको दे दिया और हमने आपका मान सम्मान ले लिया, बात अब माफी से बहुत आगे निकल चुकी है। आप रखिए फोन। जीजा जी हेलो। बाबूजी, इस आदमी के सर पे ना पागलपन का भूत सवार हो गया, मैं ये ना मार डालने, अम्मा मैं नहीं छोड़ेगा। मतलब जी जी जीजा जी के कहने पर हमारे घर से सामान लेकर आती थी। जीजा जी कितने घटिया आदमी है। बात करते हैं। और एक बात ये बताओ, अम्मा बाबूजी हमें काहे रख लेंगे घर में, और वो भी सोनू के साथ है? क्यों नहीं रख लेंगे तुमको अपने यहाँ? दूसरी बात ये है कि हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं? अरे हम लोग खाली घर पे नहीं मिलेंगे, लेकिन बाहर मिलते रहेंगे है? हाँ, फोन पे बातें करेंगे, एक दूसरे का हाल चाल लेंगे, हमको पल पल की खबर रहेगी कि वहाँ क्या चल रहा है। और एक बात तुमको बताने कम्मू, बाप बाप होता है, जब उसको ये पता चलेगा कि दामाद बेटी के साथ नहीं रह रहा है, बेटी परेशान है, अकेले है, ये बात कोई भी बाप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब वो तुरंत कहेगा कि बेटा तुम परेशान ना होना, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, तुम हमारे यहाँ के रहो। लेकिन एक बात ये बताओ, तुम हमें छोड़ करके चले गए हो, इस बात पर यकीन कौन करेगा है? बोलो। बस यही करना है, हम तुम्हारा गला दबाएंगे और तुम जोर से चिल्लाओगे, अरे बसल जी हमारा गला क्यों दबा रहे हो, हमारी जान लेने क्यों तुले हो, और फिर तुम हमको कुछ कहोगे, हम तुमको कुछ कहेंगे, हमारी तुम्हारी लड़ाई बढ़ती जाएगी, और ये लड़ाई सुनेगा हमारा बेटा सोनू, वो आएगा हमारे बीच हम दोनों को पुराने के लिए। अब उसको लगेगा कि मम्मी पापा तो दोनों एक दूसरे जान ले लेंगे, फिर वो दौड़ा दौड़ा जाएगा अपने नाना नानी के घर, यही बात उनसे बताएगा, और फिर नाना नानी दौड़ के आएंगे हमारे यहाँ, और वो ये देखेंगे कि दामाद जी तो उनकी बेटी जान लेने पे आवाज़ आए,
बस हम तुमको घूर कैसे देखेंगे? अरे एक झटका मार के ऐसे घूरेंगे उठकर चले जाएंगे, और उसके बाद क्या करना? कृष्णा क्या कर रही है? खोल दरवाजा, ये क्या बदतमीजी है? क्या क्या हुआ? मम्मी कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। अब जाइए, मुझे बात नहीं करनी। सॉरी मम्मी, वो हम झूठ बोल रहे थे कि आस्थाई को दर्द हो रहा है। किस लिए? अब तुमने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया नूपुर। सॉरी मम्मी, वो आप रो रहे थे तो कृष्णा भैया ने प्लान बनाया ताकि आप आस्था दीदी को अपने हाथों से खाना खिला पाए। क्या हुआ माँ? माफ कर दीजिए कि मैं एक माँ को अपनी बेटी के लिए तड़पते हुए नहीं देख सकता। अच्छा तो तू अपनी मैडम जी को हमदर्दी दिखाने के लिए हमारे साथ ये सब हरकत करेगा? हाँ खोल दरवाजा, ये कमरा हमारा है, तेरे बाप का नहीं। भले ही उनका ना हो लेकिन उनकी माँ। मतलब मैडम जी की सास का तो है यानी कि आपका। मैं तो अपनी माँ के साथ नहीं रह पाया, कम से कम बड़ी बेबी तो रहे, इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। कृष्णा खोलो दरवाजा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैडम जी आप बस बड़ी बेबी को खाना खिलाइए, मैं दरवाजा खोल दूंगा। मम्मी आप खिला दीजिए आस्था दीदी को खाना, कृष्णा भैया दरवाजा खोल देंगे। नहीं खाना है मुझे खाना। सुना कृष्णा, मम्मी के हाथों से खाना नहीं खाना है। सुन लिया तुमने, नहीं खाना उसे मम्मी के हाथ से खाना। चाबी दो। बड़ी बेबी आपको अपनी माँ की कसम, अगर आप अपनी माँ से प्यार करती है तो खाना खा लीजिए, तभी ये दरवाजा खुलेगा। चाबी और खोल दीजिए दरवाजा। मैं तो बस ये चाहता था कि एक बीमार बेटी को उसकी माँ अपने हाथों से खाना खिलाए। नहीं चाहिए चाबी, अब ये ताला टूटेगा और इसका जिम्मेदार तू होगा। हट जा हमारे सामने से। बाबूजी ठीक हो तुम? बाबूजी आप कृष्णा को उसकी जिद की वजह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ना, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। चाबी दे तो रहा है वो। तो कृष्णा चाबी हमें दो, ताला हम खोलते हैं। मम्मी आप कृष्णा भैया को मत डांटिए, कृष्णा भैया की कोई गलती नहीं। बहुत बड़ी गलती की है तुमने, आज पूरे घर को परेशान करके रख दिया तुमने। इस गलती के लिए माफ नहीं करूंगी। बस बंद करो अपनी ये नौटंकी, खूब जानते हैं तुम दोनों का ये ढकोसला। हम पहले दोनों ने मिली भगत करके ये प्लान बनाया और अब सबके सामने डांटने का नाटक कर रही हो तुम। नहीं बड़ी मालकिन, मैडम जी का इसमें कोई हाथ नहीं है, सारी गलती मेरी ही है, मैंने ही सब कुछ किया है। नहीं कृष्णा भैया आपकी गलती नहीं है, मेरी भी गलती है,
मैंने भी आपके साथ ये सब किए। मालती, आज तो खाना तुम खिलाओगी। महुआ, आस्था को डाइनिंग टेबल पर ले जाओ, वहीं पर हम इसको खाना खिलाएंगे और सबके सामने खिलाएंगे। क्या देख रही हो यशोदा? कहा था ना हमने कि आस्था हमारे हाथ से खाना खाएगी और तुम दूर खड़ी होकर देखना। लेकिन अब चलो तुम भी डाइनिंग टेबल के पास में और सामने खड़ी होकर देखो, तुम्हारा ये भ्रम भी मिट जाएगा कि आस्था सिर्फ तुम्हारे हाथ से खाना खाती है। हम जानते हैं कि आस्था जिद्दी है, पहले वो मरते मर जाती लेकिन किसी और के हाथ से खाना नहीं खाती। लेकिन तुमने अपने और अपनी बेटी के बीच में इस कृष्णा को लाकर खड़ा कर दिया, तो चलो सामने बैठ कर देखो कि इस कृष्णा की वजह से तुम्हारी ममता कितनी कमजोर पड़ गई है। हाँ, पर खाना खिलाते समय एक बात जरूर सोचना कि इस माँ बेटी के रिश्ते में तुम्हारी ममता बंट गई है। लेकिन आस्था का प्यार अपनी माँ के लिए आज भी पहले जैसा है। तुम्हारे इस माँ बेटी के रिश्ते को आस्था ज्यादा अच्छे से निभा रही है यशोदा। महुआ, खिलाने दे इसे खाना। कितनी बार कहा है आस्था तू उसे, बेटी हो तुम मेरी, मेरा हिस्सा हो तुम, कुछ भी हो जाए तुमसे उतना ही प्यार रहेगा जितना हमेशा था। कृष्णा हो या कोई भी हो, तुम दोनों की जगह मेरी जिंदगी में और कोई नहीं ले सकता, आस्था कभी नहीं। अरे जो कह रही हो ना बेटा कि तुम्हारे पापा को मम्मी ने घर से भगाया है, वो सही नहीं है। तुम जानती हो ना आस्था मम्मी पापा से कितना प्यार करती है। जी बड़े मालिक, क्या हुआ और ये सब कैसे हुआ? खुद तोड़कर अनजान बनने की कोशिश कर रहा है।
अभी बताते हैं तुझे। यशोदा, यशोदा। जी बाबूजी। ये सब देख लो, ये सब इसने किया है। कृष्णा ने? और कौन करेगा, इसी ने किया है। इसीलिए तो पूछ रहे हैं इससे कि कल रात को इसे इतना गुस्सा आया कि इसने सारा सामान तोड़ दिया। नहीं बड़े मालिक, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। हे भगवान, देखो तो जरा कैसे झूठ बोल रहा है। तुम्हारे बॉस सवेरे सवेरे झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं है। पर वैसे भी कल रात में ना तुम्हारा रुद्र रूप देख चुके हैं हम सब लोग, झूठा कहीं का। मैडम जी, आप मेरा यकीन करिए, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। तो क्या अपने घर का सामान हम खुद तोड़ देंगे? किसने क्या किया है क्या नहीं किया है मुझे नहीं पता, लेकिन कृष्णा ऐसा नहीं कर सकता। हाँ दादी, कृष्णा भी ऐसे कभी नहीं करेंगे। किसने किया है किसने नहीं किया है ये अभी पता चल जाएगा। दरोगा को बुलाया हमने, आते ही होंगे। क्या कह रहे हैं बाबूजी? मैडम जी, आप मेरा यकीन करिए, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। मुझे नहीं पता ये किसने किया। हम सब मजबूर हैं यशोदा, और हमारी मजबूरी इस हद तक बढ़ गई है कि देखो आज हम सबको उस कृष्णा को घर से बाहर निकालने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। अम्मा, छोटा बच्चा है वो, ये सब मत करिए उसके। और तुमने जो उपाय हमारे हाथ में छोड़ा था हम उसे अपना रहे हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ में अभी बहुत कुछ है यशोदा। फिक्र करती हो ना उसकी, तो उसके बारे में सोच कर फैसला लो। उस बच्चे को बच्चे की तरह इस घर से निकालकर बाहर कर दो। कोर्ट उसकी सारी व्यवस्था करेगी, लेकिन अगर पुलिस में केस गया ना तो कोर्ट उसे गुनहगार मानकर बच्चों की जेल में डाल देगी। फिर क्या ही कर पाएगा वो अपने लिए, और क्या कर पाओगी तुम उसके लिए? दिमाग से सोचकर फैसला लेना कि तुम्हें क्या करना है। ताकत तो पूरी लगेगी गुप्ता जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बहू कृष्णा को खुद निकाल देती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी निकालती तो कृष्णा को बाल सुधार गृह में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगी। अगर मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो मैं केस लड़ूंगी और साबित करूंगी कि कृष्णा बेगुनाह है। तो ठीक है, फिर हम थाने से FIR की कॉपी लेकर जुवेनाइल कोर्ट जाएंगे। वहां अर्जेंट सुनवाई की मांग करेंगे, और अर्जेंसी की सिचुएशन में हमें 2 दिन में तारीख मिल जाएगी। परसों इस केस की सुनवाई होगी और फैसला भी आ जाएगा। यकीन मानिए गुप्ता जी, आप सबके पक्ष में ही फैसला आएगा। माफ कीजिए वकील साहब, लेकिन मेरे पति भी वकील है, और वो हमेशा कहते हैं कि जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक आश्वस्त नहीं होना चाहिए। तो आप भी मत होइए, देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। वाह बहू वाह, मान गए आज हम
कि तुम में बड़ी हिम्मत है। आखिर इतनी हिम्मत लाती कहां से हो? हमसे कहती थी आप हमारी सास नहीं माँ हैं, और इन्हें कहती थी बाबूजी आप हमारे ससुर जी नहीं बल्कि पिता हैं। ये घर एक मंदिर है, यहाँ सबकी सेवा करना हमारा धर्म है। भूल गई सब? कहा था ना तुमने कि इस घर की हम हमेशा हिफाजत करेंगे अम्मा, कभी इस पर एक आंच नहीं आने देंगे। लेकिन देखो आज तुम्हारी बगावत की आंच पर ना हमारा पूरा घर झुलसता है। और किसके लिए? इसके लिए, इस पराए लड़के के लिए तुम अदालत में ये साबित करोगी कि तुम्हारे परिवार वाले झूठे हैं या ये साबित करोगी कि तुम्हारे सास ससुर इसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। पहले भी किसी और के साथ, और आपके कहे अनुसार हमने उसका पता लगाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कैसे पता नहीं लगा पाए। आपका एसोसिएशन एक सर्कुलर भेज देते, उस ऑटो वाले को भी मिल जाता। मैडम हमारे एसोसिएशन में सभी लोग पढ़े लिखे नहीं है जो सर्कुलर भेजने पर रिएक्ट करें, और फिर एसोसिएशन में 10,000 से ज्यादा लोग हैं। अब एक एक को पकड़ कर पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा आप रजिस्ट्रेशन के वक्त डिटेल्स तो लेते होंगे ना? हाँ हाँ लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। इन सभी रजिस्टर में सभी ऑटो वाले के नाम पता और एड्रेस है, लेकिन अब कौन कितना सच लिखवाता है ये हम नहीं कह सकते। क्या तो सही रहे आप, अब क्या करें? हमें ये रजिस्टर्स दे सकते हैं आप? मतलब हम देख सकते हैं इन्हें? आप क्या करेंगे इन रजिस्टर्स का? नहीं आप कह रहे हैं कि आप नहीं जानते सबको, लेकिन ऑटो वाले एक दूसरे को तो जानते होंगे। ऐसा कोई तो होगा जो उस ऑटो वाले के बारे में जानता हो। हम इन रजिस्टर्स में से हर एक को कॉल करेंगे, पूछेंगे उसके बारे में, क्या पता कुछ पता चल जाए। आप इतने सारे लोगों को कॉल करेंगे? जी हमारे पास कोई चारा नहीं इसके अलावा, प्लीज आप रजिस्टर्स देंगे। किसी निर्दोष को सजा भुगतते हुए नहीं देख सकती मैं, और अगर नतीजे तक पहुंचना है तो बाहर तो जाना होगा, और इसीलिए मेरा अभी कहीं जाना जरूरी है। यशोदा रानी, आधी रात की बात तो तुम अभी आई हो, हैं? अब कहां जा रही हो? कृष्णा को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे अभी कहीं जाना होगा। लेकिन जा कहां रही हो? अगर इन लोगों को ये पता चल गया कि कृष्णा को बेकसूर साबित करने के लिए हमने गवाह ढूंढ लिया है, तो ये गवाह को गुमराह करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और फिर मैं कृष्णा को बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगी। लेकिन कुछ नहीं बताया तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। हे भगवान क्या करूं मैं अब? नहीं बता सकती हूं। नहीं खोलेंगे अब ये दरवाजा, कल सुबह ही खुलेगा। कितनी निकम्मी औलाद पैदा की है हमने मालती। एक लड़का ये कृष्णा नाम की मुसीबत हमारे मुट्ठी में मड़कर भाग गया, और दूसरा उस मुसीबत को रोके रखने के लिए हमें ही हमारे घर में बंद कर दिया। पता नहीं यशोदा के हाथ कौन सा सबूत लग गया है जो वो आधी रात में घर से निकल गई और हमें कुछ बताया तक नहीं। कहा ना नहीं खोलेंगे दरवाजा, और ना ही किसी को भाभी के पीछे जाने देंगे। बेवकूफ कहीं का, बिना मतलब दरवाजा बंद करके अपने आप को होशियार समझ रहा है।
अरे जिसे जाना था वो तो कब का यशोदा रानी के पीछे जाकर आ भी गया। अब इस खेल की चाबी सिर्फ हमारे पास है। अरविंद, तुम चाहे कितना भी साथ दे दो यशोदा रानी का और कितनी भी कोशिश कर ले यशोदा रानी, पर ये केस तो नहीं जीत पाएगी वो। कृष्णा, चाहे जो हो जाए हमें ये केस जीतना ही है। अरविंद, ये ठीक नहीं कर रहे हो। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अरविंद, लड़के ने खुद तो जिंदगी भर कुछ किया नहीं, बस भैया भाभी का चमचा बनकर रह गया। देखो कैसे सिपाही बना पड़ा है। देखा नूपुर, मुझे नहीं, उस बंद दरवाजे को देखो। मम्मी उस दरवाजे के उस तरफ है और हम इस तरफ है, और मम्मी के साथ वो कृष्णा भी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मम्मी के साथ हमेशा के लिए वो कृष्णा ही रह जाए और हम इस बंद दरवाजे के पीछे अकेले रहें। देखो नूपुर बिटिया, तुम्हारी आस्था दीदी ना बिल्कुल सही और बहुत बड़ी बात कह रही है। अब देखो, उस कृष्णा के कारण पहले ही तुम्हारे पापा घर छोड़ के भाग गए। अब कहीं ऐसा ना हो कि उसी कृष्णा के कारण तुम्हारी मम्मी भी सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाए। आप दोनों मुझको भड़काने की कोशिश मत करिएगा बुआ। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? किसी ने आपको कुछ पैसे क्या दे दिए? आप जैसा नेक इंसान जिसने कभी किसी की जान बचाई थी धोखेबाज बन गया। हमें धोखा देके भाग रहे थे, हमसे छुप रहे थे आप। कौन है आप लोग? हम आप लोगों को नहीं जानते। झूठ मत बोलिए, उस दिन आपने ही तो मुझे और मेरे दोस्त छोटू को हॉस्पिटल पहुंचाया था। कौन सा दिन, कौन सा हॉस्पिटल? मुझे कुछ याद नहीं। आप लोग जाइए यहाँ से। और ये पैसे भी हमारे हैं, ना तो हम बिकाऊ हैं और ना ही धोखे पास। निकलिए आप यहाँ से, जाइए। देखिए हमें आपकी बहुत जरूरत है। जी सोनू, आशा कृष्णा के बिना चाय पीने में बड़ा सुकून मिल रहा है, जैसे चाय का स्वाद ही बढ़ गया हो। अरविंद चाय पी लो। अरविंद, वैसे कल जो तुमने नौटंकी की है, कायदे से तो तुम्हें जूते खाने को मिलने चाहिए, लेकिन आज हमारा मूड बहुत अच्छा है, पी लो। मतलब ये वो चाय है ही नहीं जो रोज हम पीते हैं। इस चाय में भाभी को हराने की साजिश मिली हुई है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? बंद कमरे में यही तो कर रहे थे ना आप लोग, फिर हमें भी आपकी चाय नहीं पीनी। रख लीजिए अपनी चाय। नूपुर, दूध पियो बेटा। नहीं, मुझे भी दूध नहीं पीना। मत पियो, तुम्हारा पेट है, हमारा पेट नहीं है। बहुआ रहने दो उसे, तुम अपनी चाय पी लो। जाओ तुम आराम से बैठ के अपनी चाय पियो। अरे मास्टर नी, लानत है तुम्हारे बेबी होने पर, है? अपने पति को नहीं रोक पा रही हूँ। अरे हमारा भाई ऐसे चाय छोड़कर जा रहा है तो उसे रोकने और चाय पीने पर मजबूर करने की बजाय ऐसे बुत बन के खड़ी हो। जी, चाय पी रही है ना, तो चाय पीजिए। अरे महुआ के दिमाग में फालतू में कुछ भी मत भरा करिए आप। पर इतनी लानत आ रही है आपको, तो जब जीजा जी गए थे तो क्यों नहीं रोक लिया आपने, बताइए। हम तो चुप, एकदम चुप। बहुत जबान चलने लगी है सबकी, मान मर्यादा तो बची नहीं इस घर में, सब अपनी अपनी मर्यादाओं को लांघ रहे हैं। आज के बाद एक दूसरे के निजी जीवन पर सवाल कोई भी नहीं उठाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आई बात समझ में? सही तो कह रही है अम्मा, बात सिर्फ सीधी सी है। घर पे एक समस्या आई है, कुछ लोग एक पक्ष में हैं, कुछ लोग दूसरे पक्ष में हैं।
तो जो जहां है अपने अपने हिसाब से रहे, हाल फिलहाल सबके लिए यही अच्छा रहेगा। लेकिन हमारा पति हमारे पक्ष में नहीं है, जबकि उसे होना चाहिए, और आज आज उसे यहीं पर खड़े होना पड़ेगा और ये चाय चाय भी पीनी पड़ेगी। नहीं पियेंगे चाय। नहीं पियेंगे तो मत पीजिए, फिर हम भी जा रहे हैं अपने मायके और कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। अपना फोन देना। मनोज भैया, तुम हो वकील और हमको वकील लोगों से होती बहुत ज्यादा टेंशन। अब अगर हमारी बात तुमने रिकॉर्ड कर ली तब तो हम फंस जाएंगे। भाई देखो, हमारी आदत नहीं इशू बनाने की, पर अगर कहीं तुमने इशू बना दिया तब तो हो जाएगा बहुत बड़ा कांड है। इसीलिए हमने तुमसे तुम्हारा मोबाइल लिया है। अब सुनो आगे की इंफॉर्मेशन। ये यशोदा और कृष्णा दोनों हो गए हैं किडनैप। बाल सुधार गृह। चीजें क्यों भेजना चाहती हैं कृष्णा को बाल सुधार गृह? क्या बिगाड़ा उस मासूम ने आपका? अरे तुम्हें हम क्या बताएं कि उसने क्या बिगाड़ा है और क्या बिगाड़ सकता है। जीजी आप बहुत ही कम खटिया इंसान है। पहले आप अशोक के पीछे पड़ी, फिर यशोदा भाभी के पीछे, और अब उस मासूम कृष्णा के पीछे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, उन दोनों को ढूंढने मैं जा रहा हूँ। कोर्ट ने सुनवाई का 11 बजे तक का वक्त दिया ना, तब तक ले आऊंगा मैं दोनों को। अरे तुम्हारा फोन आ रहा है, रिसीव करो। तुम्हारा फोन है, उठाओ ना, बहुत अर्जेंट कॉल है। हाँ तुम एक बार बात कर लोगे ना, फिर कृष्णा और यशोदा को ढूंढने नहीं जाओगे। तुम बात करो, हम अंदर जाते हैं। हाँ वकील साहब, आप सब लोग मिलकर कितनी भी ताकत लगा लीजिए, लेकिन कल कोर्ट में यशोदा भाभी कृष्णा को बेगुनाह साबित करके रहेंगी। अरे मनोज जी भाई, आप वकील हैं, जरा प्रैक्टिकल बातें कीजिए। आप फैसला होता है सबूत और गवाह को ध्यान में रखते हुए, और आपकी भाभी यशोदा और कृष्णा कल 11 बजे से पहले छोड़े नहीं जाएंगे। क्या सबूत क्या गवाह, कोई भगवान तो है नहीं दोनों कि कल अचानक से कोर्ट में प्रकट हो जाएंगे। ममता, ममता भगवान से कम नहीं होती। वकील साहब, शायद आपने अभी तक ममता की ताकत देखी नहीं। उनका नाम यशोदा है, कृष्णा की दूसरी माँ। अरे फिर से वही बात, चलिए छोड़िए, आप इमोशनल मत होइए। कोर्ट में आप ही को केस लड़ना है, और अब तो यशोदा जी को भी बचाना है, इसलिए उस सब पर ध्यान दीजिए ना। चलिए मिलते हैं फिर। ये कवायद गुनेगार कृष्णा को इस घर से बाहर निकालने की है, ताकि एक और गुनेगार बनाने की। और फिर हम तुम्हारी नजरों में गुनेगार क्यों बने? यशोदा को बचाना चाहते हो तो जाओ। बाबूजी क्या कर रहे हो, काहे कर रहे हो आप ये? और आप जानते हैं ना कि अगर ये वहां गया तो हमारे केस जीतने की संभावना कम हो जाएगी। बाबूजी कृष्णा इसी घर में रह जाएगा फिर से। तुम जाओ, एक बात याद रखना हमारी, तुम जो ये मेहनत कर रहे हो ना, इसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। ये हमारा वादा है तुमसे। जाओ। जज साहब ये सरासर झूठ है,
मेरी क्लाइंट यशोदा गुप्ता कृष्णा को लेकर नहीं भागी, बल्कि उन्हें और कृष्णा को इस केस से जुड़ा एक अहम गवाह मिल गया था, वो उसको लेने गई थी। रास्ते में उनका किसी ने किडनैप कर लिया। प्लीज आप हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। और तब तक हमारे क्लाइंट हर रोज कृष्णा के डर से जिए। जज साहब, एक क्रिमिनल का ऐसे किसी इज्जतदार घर में रुकना ठीक बात नहीं है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज ही इस केस का फैसला करके इसे रफा दफा कीजिए। नहीं जज साहब, एक बार प्लीज आप उन लोगों को आपके सामने लाकर सफाई देने का मौका तो दीजिए। बस ये केस अब और नहीं खींचेगा, ना ही तो कोर्ट के पास इतना समय है, और ना ये ठीक होगा कि कृष्णा के डर से एक परिवार रोज खतरे में जिए। आखिर उस परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है, इसलिए कोर्ट इस केस को यही खत्म करती है और आदेश देती है कि कृष्णा को इस घर से निकाल कर जुवेनाइल कस्टडी में उसकी बाकी की सजा पूरी करने के लिए डाल दिया जाए। यशोदा भाभी, हम केस हार गए। जज साहब, इतनी जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। जज साहब ये देखिए, क्या, क्या क्या हुआ जज साहब? थोड़ा वेट कर लीजिए। अब तो मुझे और सबूत नहीं होगा। तेरे हाथ किसने खोले? कहाँ पर लड़का? बता। अगर छोड़िए, छोड़िए मुझे। कृष्णा। बता कहाँ पर लड़का? छोड़ दीजिए। कृष्णा। छोड़िए। अगर कृष्णा, तुम ठीक तो भाभी कहाँ? मैं उसे अंदर बंद है। भाभी, भाभी। अरविंद भैया। अरे छोड़िए, छोड़ दीजिए मुझे। मम्मी छोड़िए भैया। अब कोई संदेह नहीं कि कृष्णा निर्दोष है। कृष्णा को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन। भाभी को अगवा करने का ये जो गंदा और घिनौना खेल खेला है ना आप लोगों ने, ये ठीक नहीं था। अदालत ने इसे जेल में ना भेजकर हमारे घर में भेजा था, क्योंकि ये एक विचाराधीन कैदी था। लेकिन अब ये बाइज्जत बरी हो गया, अब इसे जेल में नहीं रहना पड़ेगा और ना ही इसे हमारे घर में रहने की जरूरत है। बाबूजी, बस अब ये कहीं भी रह सकता है, चाहे ये अनाथ आश्रम में रहे, सड़क पर रहे, नदी में डूब जाए या मर जाए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसे यहां से जहां जाना हो इसे छोड़ा हो, और इसका सामान बाद में पहुंचा देंगे। एकदम सही बात कही है बाबूजी आपने। अरविंद बेटा, पैदा किया है हमने तुम्हें, और इस खेल को हम बखूबी खेलना जानते हैं। माँ बाप होता है, वाह बाबूजी क्या दिमाग लगाया है आपने। बेटे के गुनहगार भी नहीं बने और केस हार कर जीत भी गए। वाह बाबूजी वाह, हम तो कह रहे हैं जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ना इस
क्रिमिनल हो सलाखों के पीछे होना चाहिए। गाइस अगर ये बाहर रहा ना तो हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मतलब इसकी जो जगह है वहीं पर ही होना चाहिए। क्यों? छोड़िए जीजी, क्यों कृष्णा का नाम लेकर बहस करनी। अम्मा बाबूजी घर चलते हैं ना, छोड़िए ये सब, चलिए। भाभी हम जानते हैं गलत नहीं है आप, लेकिन अब क्या करेंगे आप? अब तो कृष्णा भी बरी हो गया है। ये भाई साहब बरी हो गया, अब इसे जेल में नहीं रहना पड़ेगा और ना ही इसे हमारे घर में रहने की जरूरत है। इतनी बेशर्मी, तुम्हारे ससुर ने साफ साफ मना किया था ना इसे घर लाने के लिए, फिर कैसे इसका हाथ पकड़ के सीधे अंदर चली आ रही हो? तो ससुर की बात समझ में नहीं आई तुम्हारे, या तुमने किसी की भी बात को ना समझने का फैसला कर लिया है? ऐसी बात नहीं है अम्मा, बात यह है कि जवाब हाँ या ना में देना बहू। इस कृष्णा को इस घर में रखना हमारी मजबूरी थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद ये घर वालों की मर्जी है कि ये इस घर में रहेगा या नहीं रहेगा, और घर वालों की मर्जी तुम अच्छे से जानती हो। कोई भी इसे यहां नहीं रखना चाहता, क्यों सोचकर तुम इसे घर में वापस लाई हो? लेकिन दादाजी कृष्णा भी आके यहां रहने पे प्रॉब्लम क्या है? नूपुर अभी बड़े बात कर रहे हैं ना बेटा, बिल्कुल चुप। एक बार भाभी की जगह खुद को रख कर देखिए आप लोग। कोर्ट के फैसले के अलावा भी भाभी ने कृष्णा की माँ से भी एक वादा किया था, और वो इतने दिन से इस बच्चे को संभाल रही थी, अब अचानक कैसे कहीं भी छोड़कर चली आती है, और कहाँ छोड़कर चली आती है? अरे तो जब ये इसको लाई थी तब इन्होंने परमिशन ली थी, पूछा था किसी से क्या है? अब यही सोचे कि इसका क्या करना है? हाँ तो ठीक है बहू, अगर इसे घर से निकालने में तुम्हारी ममता आड़े आ रही है तो कोई बात नहीं, हम है ना, हम खुद इसे अपने हाथों से घर से बाहर निकालेंगे। बाबूजी शांत हो जाए, खराब हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है हमारी, हमारे सामने से बड़ा आया बाप को समझाने, आपको समझाने भैया, बाबूजी को जो सही लग रहा है करने दीजिए प्लीज। ऐसे कैसे करने दें भाभी, ऐसे अपनी मनमानी नहीं कर सकते ये लोग। बाबूजी अगर आप हमारे बाप है ना तो हमारे भैया भाभी भी हमारे लिए माँ बाप समान ही होते हैं, और हम आपको अपनी माँ समान भाभी का अपमान करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वाह बेटा वाह, अब तूने अपनी अम्मा भी बदल ली। हम कुछ नहीं बदल रहे अम्मा, बदलने और तहस नहस करने पे तो आप लोग तुले, और जब तक अशोक भैया घर वापस नहीं आ जाते तब तक जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। एक बार भैया घर वापस आ जाएंगे फिर आप लोग जो कहेंगे, जो फैसला लेना है हम मान जाएंगे, हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने। तो फिर ठीक है, अब ये फैसला तभी होगा ना जब अशोक घर वापस आएगा, और जब वो आ जाए तब हमें बुला लेना, और तब तक तुम भी ये फैसला कर लो कि तुम्हारे अम्मा बाबूजी हम है या ये अशोक और ये शोधा। तब तक रहो अभी नहीं अम्मा के साथ, ऐसे कपूत और ऐसी बहू के होते हुए हम इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकते। चलो मालती अपना सामान पैक करो और चलो यहां से।
बाबूजी क्या कर रहे हैं? ये आपका घर है, आप क्यों छोड़ के चले जाएंगे? मेरी बात तो सुनिए। काहे का हमारा घर? इस घर के मुखिया हमारे पति हैं, लेकिन इस घर में उनकी सुनता कौन है? और जब उनकी कोई इज्जत ही नहीं इस घर में, तो हम क्यों रहे इस घर में? और तुम्हें अगर इतनी ही फिक्र है अपने बाबूजी की, तो कहां मान लेती ना उनका, कर लेती जो वो चाह रहे हैं। पर नहीं, अब उन्हें समझाने की मनाने की कोशिश भी मत करना तुम। तुम्हें तुम्हारे सुहाग की कसम। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। अम्मा जाइए, अम्मा। अब क्यों जा रहे हो पीछे पीछे? पहले तो बहुत भैया भैया करते रहते थे, अब कहाँ जा रहे हैं? खड़े रहिए चुप करके। मैडम जी आप हाथ छोड़िए मेरा, मुझे जाने दीजिए। अगर मैं चला जाऊंगा तो ये सब खत्म हो जाएगा, जाने दीजिए। हाँ मम्मी, जाने दीजिए इसे, वरना इस कृष्णा की वजह से दादी दादी ये घर छोड़ के चले जाएंगे। देख लीजिए आप सब लोग, देखो हमारी आदत नहीं इसे बनाने की, लेकिन हम बता रहे हैं, ये दोनों मिलकर के नाटक कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर के स्वांग रचा रहे हैं जिससे हम सब लोगों को बेवकूफ बना सके। हाँ, एक जने घर से बाहर जा रहा है, दूसरा उसको घर के भीतर लेकर के आ रहा है, क्या हामिल दे रहे हैं जिससे दोनों जने बिल्कुल सही के सही लगे। अम्मा, ये जो यशोदा रानी है ना, और ये नौटंकी बाज कृष्णा, इन दोनों की मिली भगत है, दोनों षड्यंत्र रच रहे हैं कि हम जीत जी। ना ही मैंने आज तक कभी षड्यंत्र रचाया है, ना आप भी रचा रही हूँ। मैं बस एक पत्नी का कर्तव्य निभा रही हूँ। नहीं जाने दे सकती इसे। क्यों नहीं जाने दे सकती भाभी उसे? हाँ, अरे छोड़िए ना उसका हाथ, जाने दीजिए उसे। हाँ मम्मी, आप कृष्णा भैया का हाथ छोड़ दीजिए और कृष्णा भैया को जाने दीजिए। हाँ मम्मी, कि आप ये बोल दीजिए कि हमारे पापा और कृष्णा के पापा एक नहीं है। मैडम जी छोड़िए आप मेरा हाथ, जाने दीजिए मुझे, जबरदस्ती मत करिए, छोड़िए। मतलब तुम कसम खाकर बैठी हो कि हम चाहे कुछ भी कहें तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बाबूजी आप मेरे पिता समान हैं, आपका मान सम्मान सर आंखों पर, लेकिन कृष्णा का मसला मेरे पति से जुड़ा है और वो यहाँ अभी नहीं है, और इसीलिए मैं सबसे विनती करती हूँ कि ये सब करने से अच्छा है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि अशोक जी जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। उनके वापस आने के बाद बाबूजी आपकी बहू ने अपना मुंह भी खोला ना, तो जो सजा देंगे मंजूर होगी। मैंने तो पहले ही कहा था मम्मी को बस उस कृष्णा का ही ख्याल है और किसी का नहीं। यशोदा को हम पिछले 10 साल से जानते हैं, लेकिन अपने बेटे को 35 साल से। अशोक झूठा हो गया, पापी हो गया, और तुम्हारी बहू सच्ची होगी? क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम हमसे मालती? बात सिर्फ यशोदा की नहीं है जी, अभी कुछ दिन पहले कामिनी भी तो इसी बात को साबित करने की कोशिश कर रही थी ना। कृष्णा का बाप और कोई नहीं, हमारा प्यारा भाई अशोक है। तुम यहाँ पर सबको बताओ कि तुम्हारी माँ का क्या नाम है? माला। और हम सच्चाई को झुठला तो नहीं सकते कि अशोक माला से प्यार करता था? करता था, लेकिन हमारे मना करने के बाद वो मान भी गया था, और इतने सालों में हमने तो कभी अशोक के मुंह से माला का जिक्र नहीं सुना। और रही बात कामिनी की, तो उसकी तो आदत है 2 की 4 बनाने की, और अगर वो इतनी सच्ची होती तो अपनी बात से पलटती क्यों? बात तो आप सही कह रहे हैं, कामिनी अपनी बात मनवाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है। हो ना हो, ये आइडिया यशोदा को कामिनी की उस दिन की हरकत से आया होगा। और अगर नहीं निकाला तो हमारा नाम भी कामिनी नहीं। जी जी
मास्टर ने हम अपने इस घर की खुशियों पे आग लगते हुए नहीं देख सकते। जिज्जी, आपको नहीं लगता कि कृष्णा को इस घर से निकालना आसान हो जाएगा? बस हमें ये पता चल जाए कि भाभी कृष्णा के लिए ये सब क्यों कर रही है। जिज्जी, हमने ना अपना बहुत दिमाग लगाने की भी कोशिश की थी, पर हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे मास्टर नी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? नहीं। अरे ये सब यशोदा रानी ना तुम्हारे डर से कर रही है। हमसे डर के? हाँ, हमने ऐसा क्या किया? हाय राम, कितनी भोली हो तुम। सुनो, ये यशोदा रानी की हैं दो बेटियां। अब भाई बेटा तो कोई है नहीं, कल को तुम्हारा बेटा होगा। और ये सारी जमीन जायदाद, ये बाबूजी की सारी संपत्ति, पैसा रुपया, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली तुम्हारे बच्चे का हो जाएगा। अब रही बात आस्थानोपुर की, तो कल को शादी ब्याह करके वो चली जाएंगी अपने ससुराल। फिर भाई और ये सुधा के पास क्या रह जाएगा? कोई अपनी जायदाद संपत्ति इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने देना तो चाहता नहीं। इसीलिए मास्टरनी, ये लोग ना कृष्णा को इस घर का बारिस बना करके इस घर में लेकर के आए। गंदा खून गंदा ही रहता। तुम इस गंदी नाली के कीड़े का नाम हमारे अशोक के साथ जोड़ोगे तो हम मान लेंगे क्या? मत करिए ये सब बातें, प्लीज। क्यों ना करें? इसके यही नाम है पाप, लवारिस। इसके यही नाम है पाप, लवारिस। इसके यही नाम है पाप, लवारिस। मेरी लड़ाई तो मेरे बाप से थी, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि उसके साथ साथ उसके परिवार से भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन लड़ू तो लड़ू कैसे? उन्होंने तो मुझे ये हक भी नहीं दिया। लेकिन अत्याचार से रहना भी तो पाप है। मैं ये अत्याचार नहीं सहूंगा, मुझे ये पाप नहीं सहना चाहिए। कभी नहीं, कभी नहीं। मेरी बात सुनो, एक काम करो तुम, मैं जो वादा तुमसे मांग रही हूँ वो मुझे दे दो कि इस घर को छोड़ के जाने की बात कभी नहीं करोगे, तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि तुम फंसे हुए हो। करो वादा। देख रही हूँ अपने सास ससुर नना देवरानी यहाँ तक कि अपने बच्चों की भी फिकर छोड़ करके इस लावारिस के साथ कड़ी बाधा बंदी कर रही है। अंधे नहीं है कामिनी, हम देख भी रहे और सुन भी रहे। मैडम जी, आप चाहे मुझसे जितनी बार बोल ले, लेकिन मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा। चलो ठीक है, मार्केट तो आ सकते हो मेरे साथ, कुछ सामान लाना है लेके आते हैं, और आते वक्त आस्थानोपुर और तुम्हारे लिए चॉकलेट भी लाते हैं। चलो। नहीं मैडम जी, मैं चॉकलेट लेकर भी आपकी ये बात नहीं मानूंगा। कृष्णा,